हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आप यहाँ दूध देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ में बना रही हूँ एक यूनिक सी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। मैं बाकी बनाती हूँ ये, घर में ट्राई नहीं कर रही हूँ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास है फटा दूध, दूध फट चुका था और दो बार और दूध फट चुका है, तो मैंने उसका पनीर मैं बना लिया था। तो आज मेरा पनीर बनाने का मन नहीं, आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी जो कि आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी फटे दूध के साथ में बनाना फ्रनी। तो सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है, हम इसके अंदर बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, आप देख चुके हो। तो मैंने ये ले लिए हैं 2 चम्मच चावल पिसे हुए, जिनको मैंने धो लिया है, और ये चावल अब मैं कर दूंगी इस दूध में ऐड। चावल दूध में ऐड कर दिए हैं, हमें चावल को लगातार 5 मिनट तक पकाना है दूध में डालने के बाद में, क्योंकि चावल में कोई भी गिल्टी ना पड़ जाए, कोई भी गांठ ना आ जाए, इसलिए हमें लगातार इसको 5 मिनट तक पकाते रहना है। और गाइस सीरियसली बहुत जल्दी बन गए, इंस्टेंट तैयार हो जाती है। तो अभी चावल हमारे पक चुके हैं, अभी मैं डाल रही हूँ इसमें शुगर। शुगर के घुलने का भी हम करेंगे इसके अंदर मेल्ट होने का वेट। शुगर घुल चुकी है, इसके बाद मैं डाल रही हूँ मेरी कस्टर्ड पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। तो इसको मैंने 2 चम्मच लिया है ये, और दूध में मैंने इसका घोल बना लिया है। अभी हम डाल देंगे इसके अंदर धीमे धीमे ये घोल, और इसको चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स 2 घंटे हो गए हैं, खीर हो गई है हमारी ठंडी, और ये मैंने कट किए हैं बनाना, आप देख सकते हो बनाना मैंने कितने महीन महीन कट किए हैं, एकदम चॉप किए हैं। तो अभी हम इसमें कर देंगे बनाना ऐड, सारे बनाना। जब हमें खाना होगा तभी हम इसमें बनाना ऐड करेंगे। बनाना इसमें ऐड हो गए हैं, अब इसको हम चला लेंगे। और थोड़ा से बनाना जो है हम इसके अंदर घोल देंगे। सीरियसली इसका टेस्ट इस खीर का बहुत ही यमी होगा, और आप चाहें तो इसको फ्रीजर में जमा कर एज आइसक्रीम भी खा सकते हो। चलो फिर, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ इस रेसिपी को घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं, चलते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।